रात के 11 बज रहे थे, बिजली कड़क रहे थे, ठंडी सी सनसनी हवा चल रहे थे। एक बस स्टैंड पर धीरज खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। धीरज ऑफिस में काम करता था। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, इसलिए धीरज आज जल्दी जाना चाहता था। लेकिन आज ही धीरज की बाइक खराब हो गई, इसलिए आज धीरज को और लेट हो गया था। धीरज बस स्टैंड पर खड़ा घड़ी को देखता है। ये क्या, 12 बजने में बस 20 मिनट ही देर है। आज रिधिमा मुझ पर ना बहुत गुस्सा करेगी। आज शादी की पहली सालगिरह है और मैं आज ही लेट हो गया। ये बस क्यों नहीं आ रही? 11:30 का टाइम रहता है, 10 मिनट ज़्यादा हो गया है। ये कहकर धीरज अपने लेफ्ट हाथ पर नज़र डालता है, जिसमें एक गिफ्ट था जो धीरज ने अपनी वाइफ रिधिमा के लिए लिया था। धीरज गिफ्ट देखकर मुस्कुराता है और घड़ी को देखकर उदास हो जाता है। अब बस 12 बजने ही वाले थे, तभी एक तेज आवाज से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। धीरज अब पूरा भींग चुका था। धीरज के आगे पीछे बहुत से लोग थे जो बस का इंतजार कर रहे थे। धीरज के सर पर अचानक बारिश के बूंदे गिरना बंद हो जाती है। धीरज ऊपर देखता है, तभी वो देखता है एक आदमी जो कि काला कोट, काले जूते, काला चश्मा और काले ग्लव्स पहना था। धीरज उस आदमी का नेचर देखकर उसे एक हल्की सी स्माइल देता है। तभी वो शख्स कहता है, बारिश की तरह मौत का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, ना जाने कब आ जाए। ये सुन धीरज सक पका जाता है। तभी धीरज का फोन बजता है। धीरज फोन उठाने ही वाला होता है कि तभी धीरज का मोबाइल हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। धीरज जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी धीरज ये देखकर शॉक हो जाता है कि उस आदमी के पैर नहीं थे, जूते और पैंट के गैप में कुछ भी नहीं था। धीरज आर पार साफ देख पा रहा था। ये देख धीरज चुपचाप अपना मोबाइल उठाता है। धीरज उस आदमी से दूरी बना दूसरे लोगों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरज जैसे ही पीछे देखता है तो धीरज देखता है कि पीछे एक भी इंसान नहीं है। और रोड पर अभी जो एक दो ऑटो रिक्शा चल रहे थे, वो भी दूर दूर तक कहीं नहीं थे। ये देख धीरज के तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धीरज बिना देरी किए मोबाइल से रिधिमा को मैसेज पर अपनी लोकेशन भेजता है। मैसेज जैसे ही सेंड होता है, तभी वो शख्स कहता है, रिधिमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही बिना देरी किए धीरज रोड की तरफ भागने लगता है। बहुत देर भागने के बाद धीरज पीछे देखता है। रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ये देख धीरज के जान में जान आती है। धीरज चुपचाप धीरे धीरे चलने लगता है। धीरज अब पूरी तरह से भींग चुका था। तभी धीरज को एहसास होता है कि बारिश की बूंदें फिर एक बार उसके सिर पर पड़ना बंद हो चुकी थी। ये एहसास धीरज की रूह तक को कपाने लगता है। तभी आहिस्ता से धीरज अपने साइड में देखता है। धीरज की चीख निकल जाती है ये देख कि वो शख्स उसके बिल्कुल पास था। धीरज फिर बिना रुके भागने लगता है। धीरज तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो बीच चौराहे पर ना पहुंच जाए। तभी धीरज चौराहे पर पहुंच जोर जोर से सांस लेने लगता है। धीरज को अपने सामने वही शख्स नजर आता है। धीरज उसको देखता है। वो आदमी अपना चश्मा उतारता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी और उनमें से खून बह रहा था। ये देख धीरज बहुत डर जाता है। तभी धीरज के कानों में बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और फिर बस की हॉर्न।
धीरज पीछे पलटता है तो बस बस स्टैंड पर खड़े थे। बस को देख धीरज सामने देखता है, वो आदमी उसके शरीर के दो हिस्से हो गए थे और बीच में से खून बह रहा था। धीरज की आंखों के सामने वो आदमी का शरीर एक हिस्सा लेफ्ट और एक हिस्सा राइट में गिरता है। ये देख धीरज चीखता है और बस की तरफ भागता है। भीड़ के बीच पहुंचते ही धीरज भी बस में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का लगने की वजह से वो बस के टायर के नीचे आ गया था। धीरज इससे पहले खुद को संभाल पाता कि वो बस धीरज के दो टुकड़े कर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर होते ही रिद्धिमा बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन धीरज उसे वहां नहीं मिलता। आसपास ढूंढने के बाद रिद्धिमा को धीरज की लाश मिलती है। धीरज की लाश देखते ही रिद्धिमा समझ जाती है कि आखिर कैसे और क्यों मौत हुई धीरज की। एक साल पहले रिद्धिमा के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए रिद्धिमा और धीरज घर से भाग इसी बस स्टैंड पर आ जाते हैं। धीरज और रिद्धिमा की मुलाकात होती है राघव नाम के लड़के से, जिसकी आज शादी की सालगिरह थी। राघव अपनी बीवी के लिए एक गिफ्ट लिए बस का इंतजार कर रहा था। धीरज और राघव दोनों की बस स्टैंड पर थोड़ी बातचीत हो जाती है, तभी बस आती है। बहुत सारी भीड़ बस में चढ़ने लगती है, तभी धीरज चढ़ जाता है, रिद्धिमा नीचे रह जाती है। रिद्धिमा एक हाथ धीरज के हाथ में और दोनों पैर, तभी बस चल पड़ती है। तभी बहुत सारे लोग आते दिखाई देते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा के घर वाले थे। ये देख राघव सारा मामला समझ जाता है और जल्दी से रिद्धिमा को बस में चढ़ा देता है। राघव का एक पैर अभी बस में ही था और दूसरा जमीन पर, लेकिन राघव के चढ़ने से पहले ही धीरज बस का दरवाजा लगा देता है ताकि रिद्धिमा के घर वाले उन्हें देख ना पाए। गेट लगने की वजह से राघव का पैर फिसलता है और वो बस के नीचे आ जाता है और उसके शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं और फिर बस वहां से निकल जाती है। ये सब जानते हुए भी रिद्धिमा और धीरज अनजान बनकर बस नहीं रुकवाते। इसी का अंजाम था आज धीरज की जान चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अनिल आज गुस्से में चला जा रहा था और ना जाने कहां जा रहा था। वो बस बुदबुदाता सा आगे बढ़ा जा रहा था। वो सबसे परेशान हो चुका था। बेतहाशा हताश होकर वो बस अंधाधुन आगे बढ़ रहा था। कदमों की गति तेज, निगाह जमीन पर, और वो बस कभी खुद को कोसता तो कभी किसी और को तो कभी जमाने को। सामने आया गेट खोलकर वो क्षितिज में देखे हुए अंदर घुस गया। अचानक उसको टक्कर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। गिरते ही आंख खुली, जैसे नींद से बाहर आया हो। उसने कपड़े झाड़े और नजर उठाकर देखा तो मुंह दिल को आ गया। वो चारों तरफ घूमता है और पसीना पसीना हो जाता है। वो कब्रिस्तान के बीच खड़ा था, चारों तरफ कब्र ही कब्र थी। घड़ी में देखा तो 12:15 बज रहे थे। तभी उसको कुछ भारी सा सरकने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक कब्र का ऊपरी पत्थर खुद ही हट रहा है। वो कब्र के कोने की तरफ भागता है और झाड़ियों में लेट जाता है। खुद को छिपा लेता है। उस कब्र से पत्थर हट चुका था और उसमें से बहुत धुआं निकलता है। फिर उसमें से एक औरत, चेहरा बालों से ढका, सफेद कपड़ों में रेंगती सी बाहर आती है और ये देखकर अनिल का गला सूख जाता है। वो सांस रोके जमीन से मिला हुआ लेटा रहता है। अनिल 24 साल का एक लड़का है और वो बहुत मेहनती है, मगर बहुत नकारात्मक है।
हर बात में कमी निकाल लेता है और हताश हो जाता है। इसलिए न कोई दोस्त है और ना ही कोई बात सुनने वाला। घर पर सिर्फ पापा हैं जो उसको हमेशा समझाते हैं। कभी वो अपने बॉस से नाराज रहता है, तो कभी सहकर्मियों से, कभी जमाने से, तो कभी पापा से। आज पापा ने समझाने की कोशिश की, पर वो बुरी तरह नकारात्मक से भर गया था, तो पापा ने थप्पड़ लगा दिया। इसी गुस्से में घर से बिना टाइम देखे निकल आया और पहुंच गया कब्रिस्तान। अनिल झाड़ियों से पूरा ढका हुआ था। उसने देखा वो जो बूढ़ी औरत कब्र से निकली थी, धीरे धीरे वो हर कब्र पर झुक रही थी और कुछ बोल रही थी। जैसे ही कब्र से हटती, कब्र हिलने लग जाती और उसमें से भी कोई निकल आता। अनिल खुद को कोसने लगा कि आज ये किस चक्कर में फंस गया, आज तो नहीं बचूंगा। थोड़ी देर में कई आड़ी तिरछी, बच्चे बूढ़े और महिलाएं, टेढ़ी मेढ़ी सी आत्माएं पूरे कब्रिस्तान में खड़ी थी। दूर दूर तक उन आत्माओं को देखा जा सकता था। अनिल बिना हिले डुले इस भयानक मंजर को देख रहा था, तभी सबसे पहले वाली आत्मा अपनी खरखराती आवाज में बोली, और मेरे शैतानों की टोली, शैतानों की दुनिया में खुश तो है ना सब। सभी भूत सिर हिला देते हैं। पहले वाली बूढ़ी आत्मा बोलती है, आज जावेद की शहर के दूसरे कब्रिस्तान वाली नूरी से शादी है और सबको मुझे ही जगाना होता है, खुद तैयार नहीं हो सकते। तभी एक छोटी बच्ची का भूत बोला, मैं तो तैयार हूं अम्मा, अपनी चमकती ड्रेस को दिखाते हुए। बूढ़ी अम्मा बोली, रूबी तू तो जब से अपने जन्मदिन के दिन मरी थी तब से इसी ड्रेस में है, तू तो हमेशा तैयार रहती है। सब भूत अजीब सी कर्कश आवाज में हंसते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, चलो तैयार हो जाओ, जावेद कहाँ है? एक अस्थि पंजर, आधे शरीर का मांस का लोथड़ा सा आधा कंकाल आगे आ जाता है। यही हूं अम्मा। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, यह क्या हाल बना रखा है, जल्दी तैयार हो। सारे भूत अपनी अपनी कब्र में कूद जाते हैं और अगले ही पल सच सवर कर इंसान के जैसे बनकर निकलते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, चलो सुबह से पहले वापस आना है। अनिल ने देखा हवा में खुद से ढोल ताशे की आवाज आने लगी। जावेद दूल्हे के कपड़ों में हवा में बैठा हुआ था। उसके नीचे न कोई घोड़ी थी न कोई बग्गी, हवा में सवार था। शहनाई की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। वो हक्का बक्का सा ये सब देख रहा था। तभी उसको आवाज आई, आप यहाँ क्यों लेटे हो अंकल? अनिल का तो खून सूख गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी बच्चे की आत्मा रूबी खड़ी थी। तभी वो बोली, उठो अंकल, बारात में नहीं चलना। अनिल खुद को संभालते हुए उठा। रूबी ने उसका हाथ पकड़ा तो अनिल को ऐसा लगा जैसे बर्फ में हाथ दे दिया हो। रूबी उसे खींचकर भूतों की बारात में ले गई। अनिल समझ गया कि अगर कुछ भी बोला या कोई भी हरकत की तो आज ये सब उसकी बलि चढ़ा देंगे। वो सक पकाता सा बारात में शामिल हो गया। बारात कब्रिस्तान से रोड पर आ गई और खूब इंसानों की बारात सी रौनक थी। खूब आवाजें हो रही थी, मगर जैसे बाहर मानो वो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहे थे और ना ही सुनाई पड़ रहे थे। बारात चले जा रहे थे और वो भूत भी आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे। अनिल उनके बीच सिर झुकाए कपकपाता सा चले जा रहा था। वो चाह कर भी उस सुनसान रात में भूतों की बारात से अलग नहीं हो सकता था। उसकी कई बार भूतों पर नजर पड़ी तो चमक दमक तो सब रहे थे, मगर उनकी आंखें पथराई सी थी, जैसे जम गई हो। सब बस चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दूसरे कब्रिस्तान पर पहुंच गए। पूरा कब्रिस्तान सजा हुआ था, रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे कोई बैंकेट हॉल हो। दरवाजे पर बहुत से भूत खड़े थे। बारात अंदर घुसी और कुछ भूत जावेद को अंदर ले गए। तभी एक बुजुर्ग भूत, जिसका एक हाथ की जगह बस हड्डी ही थी, बूढ़ी अम्मा के पास आया
और बोला, कैसी हो अम्मा? इस पर बूढ़ी अम्मा बोली, अरे रौनक, बस इस शैतानों की दुनिया को बसाने में लगी हूँ। हमारा और है ही कौन, इसलिए सब कब्रिस्तान के शैतानों को जोड़ती रहती हूँ। तभी बुजुर्ग भूत बोला, अरे अम्मा, आपकी पहल के कारण ही तो यह शैतानी दुनिया बसी है और ये कार्यक्रम हो जाते हैं, वरना सब अभी अपनी अपनी कब्रों में दबे रहते हैं। कभी कोई निकलकर बाहर थोड़ी आता है, कोई बाहर जाए तो ये साले इंसान डर जाते हैं। आपने अपनी दुनिया बसा के हमें निराशा से निकाल दिया। बूढ़ी औरत कुछ खाने का इंतजाम है या नहीं पूछती है, तो इस पर वो बूढ़ा भूत बोलता है, अरे अम्मा, आपके यहाँ से बारात आई है, आओ सब इंतजाम है। और बूढ़ी आत्मा को अंदर ले जाता है। अनिल ने ये सब न कभी सुना था और न कभी देखा था। ये सब उसकी सोच से परे था। वो डर रहा था, इन शैतानों में अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो जिंदा दफना देंगे ये लोग। वो आगे बढ़ा, खाने की पंगत में बैठ गया। पत्तल खुद ही लगी और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान हवा में उड़ते हुए पत्तलों पर सजने लगे। सूखी सब्जी, रसीली सब्जी, पूड़ी, खस्ता मिठाई और रायता, सब कुछ खुद से उड़ उड़कर पत्तलों में सज रहा था। सबने खाना शुरू किया तो अनिल ने देखा वो लोग चबा नहीं रहे हैं, वो बस मुंह तक ले जाते और कोर अपने आप गायब हो जाता। जिस किसी भूत पर भी कुछ भी कम पड़ जाता, वो चीज खुद ही उड़कर उनके पत्तलों पर आ जाती। भूत धुआंधार खाए जा रहे थे। अनिल भी चुपचाप खाने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर में सब उठने लगे तो अनिल भी उनमें शामिल हो गया। अनिल ने देखा उठते ही पत्तल आधी सब गायब हो गया। अब सब लोग खड़े हो गए और जावेद नूरी की शादी देखने लगे। नूरी भी पूरी दुल्हन बनी हुई थी और कोई कह नहीं सकता था कि ये इंसान नहीं है। जैसे ही शादी संपन्न हुई, सब भूत खुशी से नाचने लगे। तभी बूढ़ी आत्मा बोली, अरे अब बस भी करो, रौनक 2:30 बज रहा है, विदा करो हमें, 4 बजे सूरज निकल आएगा। इस पर रौनक बोला, हाँ अम्मा, और नूरी को गले लगाते हुए रोने लगा। थोड़ी देर बाद नूरी भी रो पड़ी। अनिल को याद आता है कि कभी कभी जो उसने सुना था कि कब्रिस्तान में से रोने की आवाज आती है, क्या वो यही सब होता है? क्या उसका मतलब यही है, मतलब शैतानों की भी दुनिया है और ये सब कुछ करते हैं बस जिंदा नहीं है? तभी बारात वापस लौट पड़ती है और खुशी खुशी अपने कब्रिस्तान में पहुंचती है। अनिल सबसे पीछे हो जाता है ताकि वो छिप सके। बूढ़ी आत्मा नूरी का स्वागत करते हुए बोलती है, स्वागत है तुम्हारा हमारे कब्रिस्तान में। हम तुम्हें पूरी शान और शौकत से ब्याह कर लाए हैं, मगर इस शैतानी बारात में हमारे साथ एक इंसान भी शामिल है। सभी भूत एकदम से चारों तरफ देखने लगते हैं। अनिल की तो खिड़की बंद गई कि अब वो मरा। अभी सभी भूत अपने पहले वाले भयानक रूप में आ जाते हैं और अनिल को घेर लेते हैं। अनिल जमीन पर बैठ जाता है। उससे भूतों के चेहरे देखे नहीं जा रहे थे। तभी बूढ़ी आत्मा बोलती है, रुको सभी, कुछ मत करना इसे, ये बहुत ही हताश आदमी है। नूरी गुर्राती हुई बोलती है, इसको तो मैं ही मारूंगी और इसी को मारकर मेरा कब्र प्रवेश होगा। अनिल ने सिर उठाकर नूरी की तरफ देखा तो वो डायन बन चुकी थी, जगह जगह से उतला चेहरा, वो देख नहीं पाया। तभी बूढ़ी आत्मा बोली, नहीं नूरी, इसे मत मारना, ये इतना नकारात्मक है कि ये पहले ही मर चुका है। हम तो शरीर छोड़ चुके हैं, ये तो जीने की आस ही छोड़ चुका है। जा, चला जा यहां से, तुझे मारकर भी कोई फायदा नहीं, तू पहले ही मरा हुआ है। अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कब्रिस्तान से निकलकर वापस अपने घर आ जाता है। और उस दिन के बाद से अनिल पूरी कोशिश करता है अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की, क्योंकि उसने ये मुर्दों से सीखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।